मध्य प्रदेश में पड़ने लगी बौछारें, कुछ जगह ओले भी गिरे और बिगड़ सकता है मौसम। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। आप अपने यूट्यूब न्यूज चैनल MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए मौसम संबंधित विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, अफगानिस्तान के आसपास ट्रफ के रूप में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। हवाएं भी दक्षिण पूर्वी चलने से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाने लगे हैं। साथ ही ग्वालियर, चंबल, उज्जैन संभागों के जिलों में बौछारें पड़ने लगी हैं। बुधवार रात को राजगढ़ जिले के कई गाँव में ओले भी गिरे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने के आसार हैं। इसके असर से शुक्रवार को वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी, ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान गुना में 8.4, नौगांव में 4.8, टीकमगढ़ में 3 और खजुराहो में 2.6 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं बादल छाने और हवाओं का रुख बदलने की वजह से रात के तापमान में इजाफा हुआ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में रीवा को छोड़कर बाकी तमाम जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। वहीं राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही यह पिछले दिनों के न्यूनतम तापमान से 3.4 डिग्री अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ विशेषज्ञ अजय शुक्ला के मुताबिक बादल छाने और हवाओं का रुख बदलने से न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी होने लगी है। उधर बादल छाने के कारण अब दिन के तापमान में गुरुवार से गिरावट का सिलसिला शुरू होगा। 6-7 जनवरी की दरमियानी रात में एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तरी भारत में प्रवेश करने वाला है। इसके असर से राजस्थान में एक प्रेरित चक्रवात बनेगा। इसके साथ ही शुक्रवार से पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने लगेगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम का मिजाज 10 जनवरी तक बिगड़ा रह सकता है। मौसम संबंधी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ YouTube न्यूज चैनल MP7 न्यूज।